ट्रांसलेशन बच्चों आपको पढ़ा दिए गए थे शुरुआत में। अब मैं आपको पास्ट टेंस के जो स्टोरेज टाइप के ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बतलाता हूँ, उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं स्टोरी एक बनाता हूँ अपने मन से। मैं और मेरा मित्र राम रोज शाम के समय छत पर बैठकर पढ़ते थे। राम का पुराना मित्र भी हमारे साथ पढ़ता था। हम दोनों तो केवल बातें करते थे, परंतु गए रूप से पढ़ता था। आज सरकारी सेवा में अधिकारी है। तो देखो बच्चों, मैं और मेरा मित्र राम रोज शाम के समय छत पर बैठकर पढ़ते। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट छांटे, मैं और मेरा मित्र छत पर बैठकर पढ़ते थे, बैठकर पढ़ते थे। तो अब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग करिए कहाँ से होगी। पहले इसमें बच्चों ने सेकंड पर्सन लेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, पहले आप ये थर्ड पर्सन है, एक क्रम होता है 2-3-1 का। अगर इस रूप में कोई है पहले सेकंड पर्सन है थर्ड, तो इस तरीके से आते हैं सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन थर्ड। अब यहाँ पर तो सेकंड पर्सन नहीं, तो इसको पहले लेंगे, फिर फर्स्ट आएगा, तो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड एंड माय फ्रेंड कॉमा लगाएंगे राम, माय फ्रेंड राम एंड आई स्टडीड, माय फ्रेंड एंड आई स्टडीड सिटिंग ऑन द रूफ, सिटिंग ऑन द रूफ इन द इवनिंग डेली। सबसे पहले क्या लेंगे सब्जेक्ट, माय फ्रेंड एंड आई स्टडी सिटिंग छत पर बैठ, इसको देखिए छत पर बैठ सिटिंग ऑन द रूफ इन द इवनिंग डेली। फिर रोज शाम की आएगी, रोज शाम की इन द इवनिंग
देगा। फिर है राम का एक पुराना मित्र भी हमारे साथ पढ़ता था, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ राम, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ राम आल्सो स्टडीड विद अस, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ राम आल्सो स्टडीड विद अस। हम दोनों तो केवल बातें करते थे। अब देखिए, हम दोनों तो केवल बातें करते थे, तो हम दोनों के मतलब वी, ओनली टॉक, हम दोनों मतलब वी आया बच्चों, अब दोनों की किस नहीं आया, या तो वैसे लिखते हैं वी बोथ कर सकते हैं, वी बोथ, हम दोनों वी बोथ ओनली टॉक, हम दोनों तो केवल जिस चीज के केवल वाला जोड़ उससे पहले वो लगाते हैं, तो बात से पहले है तो वी बोथ ओनली टॉक, परंतु वह वास्तविक रूप से पढ़ता था, बट बट लगाएंगे यहां पर कॉमा के बाद, बट कॉमा इन रियलिटी, बट इन रियलिटी ही स्टडी, बट इन रियलिटी ही स्टडी, परंतु वास्तविक वास्तविक किसके होगी, इन रियलिटी ही स्टडी, वो पढ़ता था। आज वह सरकारी सेवा में बड़ा अधिकारी है। आज मतलब आज अगर टूटे नहीं होगा बच्चों, नाउ मैंने आजकल, नाउ कॉमा वह सरकारी सेवा में बड़ा अधिकारी है। ही इज अ ग्रेट ऑफिसर इन द गवर्नमेंट सर्विस, ही इज अ ग्रेट ऑफिसर इन द गवर्नमेंट सर्विस। तो आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू, आपको समझ में बस आ गया होगा। थैंक्स फॉर टूडे।